हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक डस्टबिन बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डस्टबिन का ड्राइंग कैसे करते हैं तो ये देखना है। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेंगे और दो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो छोटा रहेगा, ऊपर वाला बड़ा रहेगा, यानी नीचे 1-1 इंच का और ऊपर में 2-2 इंच का, 2 इंच का। अब देखो कि मैंने कैसे डिवाइड किया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। तो एक डस्टबिन का ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान है। तो एक डस्टबिन बनाने का इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। तो आप ध्यान से इस ड्राइंग को देखो और बनाने की कोशिश करो, आप भी सीख जाओगे। अब इसके ऊपर का ढक्कन बनाएंगे। तो हर एक लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, ये ट्रायंगल। आप एक दूसरे का पैरेलल बनाते हुए एक स्क्वायर, कर्व स्क्वायर। डस्टबिन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर का पार्ट सारा एक दूसरे का पैरेलल लाइन और ये वर्टिकल। तो एक डस्टबिन का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें कलरिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने येलो लिया है, उसमें हल्का सा डार्क ब्लू मिलाया तो ग्रीन बन गया। तो लाइट ग्रीन पहले कलर बना के और पहले एक लेयर पहले फिल कर देना है। तो जब लेयर फिल करेंगे तो अंदर से पेंसिलिंग का वो दिखता रहेगा, उसी पर लास्ट में फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक लेयर पहले कंप्लीट करते हैं। तो पहले एक मोटा लेयर पहले भर लेंगे। तो फर्स्ट लेयर जब भरेंगे तो उसमें पैच दिखता रहेगा। तो पहले एक लेयर पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं इस लाइट ग्रीन में डार्क ब्लू मिलाऊंगा। थोड़ा सा डार्क ब्लू मिलाने के बाद ये लाइट ग्रीन ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। ये ब्लूइश ग्रीन करने के बाद अब इसको फिल कर देते हैं एक लेयर। तो ये एक्रेलिक कलर है, तो इसमें पानी का यूज बहुत कम करेंगे, ओह थोड़ा करेंगे, ताकि कागज़ पे चलाने में ये फूल जाता है, एब्जॉर्ब करता है इसका वाटर, इसलिए बहुत कम पानी का यूज करेंगे। अब सारे कलर को दोहराएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, पैच दिखना बंद हो जाएगा। तो अब दोहराने का काम, मैं सेवल हेयर का 3 नंबर का ब्रश चला रहा हूँ और इसी से पूरा पेंटिंग कम्प्लीट होगी। तो अब जब सेकंड लेयर चला रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट होते जा रहा है, फिनिशिंग आते जा रहा है टोन में। तो थर्ड टोन में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस एरिया में ब्लैक, क्योंकि ओपन जहां पे करते हैं वहां अंदर से वो डार्क दिख रहा है, उसमें ब्लैक का यूज करेंगे। तो अब ब्लैक आउटलाइन कर लेते हैं। तो नीचे वाले हिस्से में हम लोग जब डबल ट्रिपल कलर कर लिए तो स्मूथ हो गया है। ऊपर वाले ढक्कन जो है उसमें पहले आउटलाइन कर लेते हैं और लास्ट में उसमें कलर को दोहराएंगे, ट्रिपल लेयर देंगे तो वो फिनिशिंग हो जाएगा। तो अंदर से पेंसिलिंग का स्केचिंग दिख रहा है, उस पर आउटलाइनिंग दोहराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर ढक्कन कैरी का कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले बॉडी में करते हैं। आउटलाइनिंग कंप्लीट करने के बाद ऊपर वाले एरिया में जो पैच दिख रहा है उसमें कलर को दोहराएंगे। डबल कलर तो पहले ही चल चुका है, थर्ड लेयर में बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक खूबसूरत डस्टबिन का पेंटिंग कंप्लीट होगा। अब ऊपर वाले एरिया में जैसे ही कलर ये दोहरा रहे हैं तो सॉफ्ट होता जा रहा है, पैच सारा ख़त्म। तो दोस्तों, इस खूबसूरत ड्राइंग को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है राकेश आर्टिस्ट आर के।
और जितना हो सके शेयर करें मेरे चैनल को, जितना हो सके शेयर करें। और ये पेंटिंग आपको कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर दें, और इससे रिलेटेड और भी कोई ड्राइंग अगर मेरे से पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, लिख सकते हो, मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से पेंटिंग कंप्लीट हुआ। तो एक डस्टबिन बनाने के लिए, डस्टबिन का पेंटिंग ड्राइंग बनाने के लिए इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जितना भी हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।